सो हैलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स। अब तुहानू अज आपां अपना कॉलेज दिखावांगे जिहड़ा कि उस पहाड़ दे उत्ते आ। अज चढ़ाई चढ़ांगे, बड़े टाइम बाद अज करण भाई को टाइम मिला। सही गल है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा सी अपना, हुण अज तुहानू फाइनली अपना कॉलेज दिखाई दिंदे आ। चंगा जी। सो गाइस, अहीं फाइनली चढ़ाई ते पहुंच गए अपने कॉलेज दी। हां, अभी ऊपर कॉलेज है हमारा, यहां दिल नहीं करता पे यार बर्फ चढ़ाई जाने का, बहुत जोर लगता है। दिखाता हूँ, लाओ दिखाओ भाई, मैं पकड़ू थोड़ा, बर्फ दिखाता हूँ आपको। ये देखो सारी बर्फ बर्फ हो रही है आसपास पूरे हमारे। इस ये बैक साइड जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे है कॉलेज हमारा। लो करण भाई, आज हमारे होस्ट करण है। करण भाई आज होल्ड करेंगे कैमरा को। करण भाई, कम ऑन, टेक इट, इट्स योर्स। यार बर्फ च तुरदे ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਕ ਕਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਆਪਕੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਈਸ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਜ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਸਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बर्फ देख लो कितनी हो रही है इसको, बाप रे। ठंड नहीं है, बर्फ ज़्यादा है। नहीं जो तो ट्रेन बुक दी, यही खासी है, जो धुप चढ़े तो ठंड ज़्यादा सब होती है। स्नो च नहीं इतनी ठंड लगती बिल्कुल भी। चलो -25 डिग्री टेम्परेचर था रात, रात 23 सी, हूँ -18 चल रहा पर इस टाइम। और अभी ढे करके निकले आए हैं, इतने छुट्टी गई ती। तो गाइस ये देख सकते हो आप, फाइनली कॉलेज हमारा आ गया, बिल्कुल पास में है, सामने सामने कॉलेज है। थोड़ा यार ये कैमरा हिलेगा, थोड़ा इसको मैनेज कर लेना। ये देखो सारी बर्फ ही बर्फ हो रखी है यहाँ पे। और ये देखो सामने कॉलेज बंद होने का टाइम आ गया, थोड़ी लेट हो गई, पर ऐसी चलो देखते हैं वो खुलेगा कि नहीं। पास ले जाएंगे फिर दिखाएंगे कॉलेज को, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं हम। ये कॉलेज की लेफ्ट साइड है हमारी, अभी मेन गेट पे ले जाएंगे फिर वहाँ से दिखाएंगे कॉलेज ना मेन। फिर करण भाई आगे को चलते हैं आज। करण भाई थोड़ा आसपास का व्यू दिखाता हूँ आपको अपने कॉलेज का। ये देखो सारे जंगल जंगल है आसपास में। ये मेन रोड है जहाँ से लोग आते हैं। धूप निकली हुई आज बहुत तेज़। ये पीछे जो आप देख रहे हो ये गोल्फ कोर्स है सारा, यहाँ पे गर्मियों में सारे गोल्फ खेलने जाते हैं। अभी रिस्ट्रिक्टेड है, पास वगैरह बनाना पड़ता है यहाँ का। गर्मियों में गोल्फ का ब्लॉग बनाएंगे जब गोल्फ खेलने आएंगे, अगर टाइम मिला तो ज़रूर। कॉलेज का ब्लॉग ही इतना लेट हो गया आने में। गाइस अब हम आपको मिलते हैं डायरेक्टली कॉलेज के बाहर, फिर आपको इस टाइम पे थोड़ा बहुत अंदर का दिखा देंगे, क्योंकि कोविड चल रहा है तो अंदर रिस्ट्रिक्टेड है एरियाज, लिमिटेड बहुत खुले हुए हैं। जैसे कंप्यूटर लैब होगी हमारी, लाइब्रेरी होगी, बाहर का सिटिंग एरिया हो गया, ये सब दिखा देंगे। हर एक आधा अगर क्लास रूम का गेड़ा लगवा सके तो लगवा देंगे। बाकी कॉलेज के बाहर चल के देखते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। ओके गाइस मिलते हैं बाहर। सो गाइस फाइनली अं कॉलेज के अगे पुज गए हैं अपने, देख सकते कॉलेज उधर हो किस है एंट्रेंस वाली है, पार्किंग है कॉलेज की। टैन परे हो स्टूडेंट के रहने बनाए हुए होस्टल टाइप, पर बहुत महंगा स्टूडेंट लुटने बनाया कॉलेज ने, इस करके अपनी अकोमोडेशन इतनी सही बनती है। साढ़े कॉलेज बस भी आती, डायरैक्ट आती है गेट से, बस सिटी बस। फाइनली हमारा सामने कॉलेज है, ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है कॉलेज की, इस साइड का दिखाओ थोड़ा। इस साइड हमारा समिट हॉल है, यहाँ अभी बंद है सब कुछ कोविड केस से। और वो देखो गोरियां जा रही पढ़ पढ़ के, आही तो नहीं जा रहे थे यार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जस्ट जोकिंग।
नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हमारी पार्किंग है, पार्किंग दिखा दो भाई। ये हमारी पार्किंग है, ये हमारे एंट्रेंस है। हम मास्क लगाते हैं क्योंकि हमें अंदर एंटर करना है, हमारा थोड़ा एजुकेशन एडवाइजर से भी काम है, वहाँ दिखाते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं आपको अंदर। ये एंट्रेंस है हमारी, एंट्रेंस पे जा रहे हैं हम लोग। अभी आईडी कार्ड वगैरह शो करना पड़ेगा हमें। हेलो, सत श्री अकाल, से हेलो टू द कैमरा। सो गाइस, ये हमारा क्या कहते हैं वो है मेन हॉल बैठने के लिए, ठीक है। इतने देख लो सिक्योरिटी गार्ड्स भी सत श्री अकाल बोलते हैं पंजाबी में देख के। सही बात है, एक सेकंड यार, ये मेन लॉबी है गाइस हमारे कॉलेज की, ठीक है। इधर जिम है, इधर की साइड देख सकते हो जिम और कैफेटेरिया, ये सब बने हुए हेयर सलोन। यहाँ पे और बना हुआ सामान बहुत सारा, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, बोर्ड रूम वगैरह, ये सब। ये मेन लॉबी है, ठीक है। अब मेन एरिया दिखाता हूँ, ये हमारा मेन कॉलेज का एरिया है, ये सिटिंग एरिया है हमारा। चलो नीचे चलते हैं, लाइब्रेरी नीचे का भी दिखाते हैं। पहले हम लोग जहाँ हमारे को एंट्री है कंप्यूटर लैब में, वहाँ ले जाके दिखाते हैं हमने कंप्यूटर लैब, उसके बाद फिर लाइब्रेरी दिखाएंगे, फिर मर्चेंडाइज स्टोर भी दिखाता हूँ आपको एक। ये मेन एरिया हमारा लॉबी, ठीक है। ये हमारा मर्चेंडाइज एरिया है, यहाँ से मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। थोड़ा दिखाता हूँ आपको क्लोज करके, देख लो, ठीक है। ये हमारी कियोस्क लगी हुई है, इसमें फर्स्ट ड्रिंक जो भी आप लोगे पे रेंज का ऐप है उससे, वो फ्री मिलेगी आपको एकदम, ठीक है। ये देख लो, ये फर्स्ट नेशन स्टूडेंट्स एसोसिएशन इस साइड पे है सारा। रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं इस टाइम पे क्योंकि कोविड है, कोविड के कहते अंदर नहीं आने देते किसी को भी, लेकिन हम लोग एंट्री ले लेते हैं। ये लाइब्रेरी है हमारी, लाइब्रेरी दिखाता हूँ आपको। ये सारी लाइब्रेरी है, सर्कुलेशन वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह यहाँ से बनता है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस। ये देखो, ये हमारी कंप्यूटर लैब बनी हुई है अंदर, थोड़ी दूर से दिखाता हूँ, बच्चे बैठे अंदर। कंप्यूटर लैब है, इसमें एक्सेस कर सकते हो अपनी आईडी डाल के, पर्सनल आईडी दे रखी हर किसी को, ठीक है। और थोड़ा दिखा देता हूँ आपको छोटी मोटी, एक्चुअली बुक लाइब्रेरी बंद है, ओनली कंप्यूटर लाइब्रेरी। ये भी कंप्यूटर लैब है, इसकी भी रूम कैपेसिटी देख लो, छोटी सी है। ये वॉशरूम्स बने हुए हर जगह, और ये सर्कुलेशन है। हाँ, यहाँ पे भी जा सकते हैं, साथ हेल्प डेस्क है, ये सब सारा बंद है यहाँ पे। कोविड करके अपने कॉलेज बहुत थोड़े रूम्स खुले हैं, सारे बंद, जाने नहीं देते अंदर क्योंकि इस टाइम पे कॉलेज बंद है। ये तो सिर्फ कंप्यूटर लैब की एंट्री है, कि जिसने किसी असाइनमेंट वगैरह बनाना तो आ सकता है। सेल फोन अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन तो देखो पंजाबी को काम ही खराब। सिक्योरिटी गार्ड ना जुगाड़ लग गया स्पेशली यारी, उन्होंने पिज्जा खवाता है, उन्होंने सत श्री अकाल बोलता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और ये अब करनिया थोड़ा जाके दिखाता है आपको। ये हमारा थोड़ा एरिया दिखा देता हूँ आपको। पानी पीने का बिल्कुल जिम जैसा जुगाड़ है यहाँ पे, जिम बना रखो। ये देख लो, ये लॉकर एरिया हमारा सारा। यहाँ पे अभी हमारे को लॉकर मिलेगा नहीं क्योंकि कॉलेज ही बंद है सारा। और दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, ये इधर रूम्स दिखाता हूँ, क्लास रूम्स हैं ये देखो, ये टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, क्लास रूम एरिया है सारे के सारे, देख सकते हो। जैसे कि ये सारा क्लास रूम एरिया है सारा का सारा, ठीक है। टच नहीं कर सकते कुछ भी यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग कोविड की वजह से। ये देख लो, ये पता नहीं कुछ है, कैफेटेरिया वगैरह है, ये बंद है इस टाइम पे, ठीक है। एलिवेटर्स, वॉशरूम, कंप्यूटर लैब, बेसिकली साडा कॉलेज मेन बेसमेंट से हां। ये देख लो कितनी अच्छी सीनरी है हमारे कॉलेज की, ऊपर की साइड की। ये ऊपर का एरिया है, हम बेसमेंट में ही है मेन, हम बेसमेंट ऊपर एंट्री है। इस साइड से एलिवेटर्स हैं, वायरस प्रिवेंशन किट वगैरह सब कुछ लगा रखी है सामने, देख सकते हो। ये देखो, ये देखो नहीं यार,
ये देख लो ये क्लास है, क्लासरूम्स हैं हमारे। बैन और अंदर कितने भी जाना है तो डेकर के रिस्क चक्की है ना। हाँ सही बात है, लोग के लिए रिस्क ले रहे हैं हम लोग बहुत। कोई बात नहीं, अब कंप्यूटर लैब में जाके थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठेंगे, फिर आपको दिखाएंगे स्टूडेंट हाउसिंग और फिर ब्लॉग को कर दें एक्सेस कर दूँगा कंप्यूटर। हाँ एक्सेस दिखाता हूँ कंप्यूटर का आपको। ये बड़ी गाइस ये देख सकते हो कंप्यूटर लगे हैं यहाँ पर, बड़ी अच्छी क्वालिटी है डेल के। ये देखो नाम भी आ जाता है मेरे लिखा हुआ है कंप्यूटर में, लॉगिन करने के बाद सारी सेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी फिर हमारी। और ये देखो इसमें अर्निंग्स भी, वो भी आती है कितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े प्लान निकालने के लिए। ऐसे मुझे $30 मिलते हैं, मैं 40 सेंट कर चुका हूँ। ये वो ये सब मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब इंडिया जैसे नहीं है, इंडिया में तो सारे कंप्यूटर छूने नहीं देते टीचर हमारे को। ये वो यहाँ तो फिर भी अपना कंप्यूटर लैब अपना ही समझो, जितना मर्जी भरी हो जितना मर्जी भरी जाओ। सो गाइस सही आगे बार क्या देखो गोरियाँ कितना घूम घूम के जाती हैं, पढ़न पढ़ना पता होती है कि नहीं, टाइम पास बहुत करती हैं। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ हूँ। चलिए थानू अपने स्टूडेंट हाउसिंग दिखाने, इतने कॉलेज के बहुत सोहने बने इतने जिदा एक कॉलोनी टाइप देख। गाइस अब लास्ट पार्ट है हमारा ये वीडियो का, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं अपने कॉलेज की स्टूडेंट हाउसिंग, इंडिया के हिसाब से आप इसको कह सकते हो हॉस्टल, ठीक है। ये योगा सेंटर है हमारा कॉलेज का, ठीक है। यहाँ सुबह सुबह योगा सेशन लगते हैं, ठीक है। ये सामने पूरी जो ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है हमारी स्टूडेंट हाउसिंग। यहाँ एंट्री सिवनी की है, जिनके पास यहाँ की क्या कहते हैं अपार्टमेंट जिन्होंने लीज पे दे रखी है, 4-4 महीने के सेमेस्टर के हिसाब से मिलते हैं। ये नई बिल्डिंग्स हैं, ये ग्रीन वाली सारी नई बिल्ट हुई हैं, और वो है पुरानी वाली जिसमें बहुत कम बच्चे रहते हैं, नई वाली में आ गए सारे। सारा फॉरेस्ट है ऊपर, गेसियाँ थी बहुत ही रन वगैरह। ये देख लो सारे वो तो पहाड़ का व्यू देखो कितना सही आ रहा है यहाँ से कॉलेज का। ये कॉलेज है अपना, साइड व्यू से देख लो, ये सारा साइड व्यू से कॉलेज हमारा। ये देखो कितना सही व्यू आ रहा है यहाँ से सारा का सारा कॉलेज का। देखो कॉलेज के पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ये पूरा हमारा कॉलेज है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, मतलब एरिया मतलब इतना बड़ा है कि घूमते घूमते पूरा दिन लग जाए, लेकिन अभी इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग जा नहीं सकते, नहीं तो मैं पूरा कॉलेज टूर कराता। जब कोरोना यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा फिर दिखाएंगे आपको। और देखो बच्चे आ रहे हैं सामने से, इनके पास स्टूडेंट हाउसिंग हो रखी होगी, मतलब सेमेस्टर वाइज मिलती है यहाँ पर, सेमेस्टर का छोड़ना पड़ जाता है। कदन कुछ दिखाने को कह रहा है, एक बारी मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको फिर ब्लॉग की थोड़ी एंडिंग दिखा दूँगा लास्ट में, एक बारी स्टार्टिंग से दोबारा समझा दूँगा कि कॉलेज हमारा कहाँ पे है, कैसे है। ये हो ये देख लो थोड़ा क्लोज में आ गए हम कॉलेज की हाउसिंग के। हाँ हर चीज़ में रिस्क लेने की इसको बड़े शौक है कदन को, ये सारा स्टूडेंट हाउसिंग है। देखो अब यहाँ का थोड़ा व्यू एकदम मौत हो जाए, ये स्ट्रीट है पूरी चलने के लिए। हाँ ये देखो ये लाइट्स रखी हैं, ये कॉलेज के बैक का व्यू है पूरा, ये यहाँ पूरा पहाड़ पहाड़ है, लेक है ऊपर सारी। हम गए थे कभी अगले व्लॉग में, जब मैं लास्ट का पार्ट में आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं कॉलेज कहाँ पे है कैसे है वो। तो गाइस अब लास्ट का पार्ट है, करण भाई व्यू दिखाने को कह रहे थे, मैं व्यू दिखा दूँ थोड़ा, ठीक है। अब करण भाई ये बताओ हमारा कॉलेज है कहाँ पे, कौन से प्रोविंस में, कनाडा के, ये वो सब बताओ डिटेल्स। ऐसी वैसे सारा दसी है कि अपना कॉलेज है क्रैनब्रुक में ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, मतलब आ पैंदा रॉकीज माउंटेन के विचकार बिल्कुल, ताहीं देखे आ सारे चारे पास माउंटेन्स माउंटेन्स है, ठंड सब ज़्यादा पैंती है इतने, एरिया सब ना वधिया डेवलपिंग एरिया, काम भी बहुत इतने फैसिलिटी भी बहुत है, एंड खर्चे जो होंगे ना बहुत लैस है बंदे
ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਬੰਦਾ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਿਸਟ ਅਤੇ ਟੋਪ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆ ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲਜ ਔਰ ਰੌਕੀਸ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾਓ ਬਾਤਚੀਤ ਬੜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਬ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਆਪ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਕਿ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਥਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਾਂ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਵੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਵਲੌਗ ਬਣਾਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਕੌਨ ਸਾ ਪਾਰਟ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਾਲਜ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਤੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਕੋ ਔਰ ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਲਵਿੰਗ ਐਸੀ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਰਹੋ ਨੀਚੇ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ